छोटे भाई की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। आरोपी के छोटे भाई से मृतका ने की थी कोर्ट मैरिज, पैर में लगी गोली। बता दें फिरोजाबाद से छोटे भाई से कोर्ट मैरिज करने वाली सलहज के हत्यारे और छोटे भाई व उसके मासूम बेटे को मरणासन्न हालत में पहुंचाने के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली पैर में लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए भेजा। बता दें मंगलवार देर रात गांव कुतुबपुर जारखी में जमीनी विवाद और छोटे भाई से शादी किए जाने से नाराज आरोपी भाइयों ने सलहज, अब छोटे भाई की पत्नी रेनू उम्र 32 वर्ष के, सोते समय डंडे से पीट पीट कर उसके जेठ केशव और देवर अखिलेश ने हत्या कर दी थी। पति भानु प्रताप और बेटा यश उम्र 3 वर्ष, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए थे। उनकी गिरफ्तारी को पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थीं। रात को हत्या आरोपितों के हिरन गांव रोड पर छुपे होने की जानकारी इंस्पेक्टर अनुज कुमार को हुई, जिस पर थाना टूंडला पचोकरा व एसओजी की टीम ने उनकी घेराबंदी कर ली और पुलिस को देखकर उन्होंने भी पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में गोली पैर में लगने से केशव घायल हो गया। अखिलेश पुलिस को चकमा देकर बाइक लेकर वहाँ से भाग गया। मौके पर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, सीओ राजेश कुमार पहुंच गए और एसपी सिटी ने बताया कि एक बदमाश के पुलिस की गोली लगने से वह घायल हुआ है, दूसरा मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुतुबपुर जारखी में 30/31 की रात्रि में एक हत्या हुई थी और उसमें हमारे 3 इसमें नामजद मुजरिम थे, एक केशवदेव था, अखिलेश था, एक और अन्य था। और एक स्पेसिफिक हमें सूचना मिली थी कि हिरन गांव से जरोली खुर्द रोड पे इनका मूवमेंट है। उस आधार पर हमारी टीम पहले से यहाँ पे घेराबंदी की थी और चेकिंग कर रही थी। 2 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पे दिखाई पड़े, तुरंत हमारी टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उसमें से एक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, इसमें एक उसमें घायल हुआ। उससे पूछताछ से पता चला उसका नाम केशवदेव है। तत्काल उसे हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। उसके पास से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें अभियुक्त अखिलेश था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। हमारी टीम तलाश कर रही है, इसमें इससे पूछताछ तथा अन्य जो भी साक्ष्य मिलेंगे जाएगा। इसने पूछताछ में ये भी बताया कि रात में जो है कहते हैं वो हत्या हुई थी, कि लोगों ने एक सुरीले तरीके से किया था, जो कि इसमें केशवदेव इसके साले की पत्नी जो इसमें उनका रेणू थी वो उसकी पत्नी थी और वो यहाँ के जब रहने लगा तो इसको नागवार गुजरा, इसके बाद ही उसने ये घटना कारित की।